आई एवरी वन वेलकम टू कारण क्रांत स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज का वीडियो थोड़ा हमारा डिफरेंट रहेगा बाकियों से क्योंकि आज हम लेक्चर नहीं डिस्कस करेंगे इसमें आज मैं एक वीडियो लेकर आई उनसे मैं आपको बताऊंगी कि आप हंड्रेड डेज़ के अंदर अपना सलेबस जो है वो कैसे कम्प्लीट कर सकते हैं मुझे काफ़ी क्वेरीज़ आती है इसके रिगार्डिंग के अभी स्टार्ट नहीं किया या कहीं स्टार्ट किया है पर उनको समझ में नहीं आ रहा सिलेबस कैसे कम्प्लीट होगा ठीक है तो मैं आपको लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे बताऊँगी चैप्टर वाइज आप कैसे हंड्रेड डेज़ में अपना सिलेबस जो है वो कम्प्लीट कर सकते हो ठीक है तो ऐसा तो पहले दिमाग से निकाल दो कि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है जो कंप्लीट करना इज़ इम्पॉसिबल ऐसा कुछ नहीं होता ये सिलेबस आपको इतना टाइम फ्रेम जितना आपको मिलता है एग्ज़ाम के लिए वो टाइम फ्रेम दिमाग में रख के ही ये सिलेबस सेट किया होता है यू गाइज हैव नो आइडिया जिन एग्ज़ाम्स में एक एक साल लगता है प्रिपरेशन में उनका सिलेबस किस लेवल का होता है ठीक है तो सिलेबस जो है ये विद इन टाइम फ्रेम कंप्लीट करने वाला है अगर कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो आपको अपना पोटेंशियल इंक्रीज करना है आपको अपनी कैपेबिलिटी इंक्रीज करनी है क्योंकि लैक्स जो है वो अपेयर होते हैं फॉर्म भरते हैं एंड कुछ हंड्रेड्स में पोस्ट होती हैं आपके पास ठीक है तो उन लैक्स में हंड्रेड्स ऐसे होंगे कि जो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड उनका सिलेक्शन हो जाएगा एंड बाकी उनके पास क्या रहेगा सिर्फ एक्सक्यूजेस ठीक है फिर बाद में लक फैक्टर नो डाउट इसमें होता है आई डो नॉट डिनाई इट लक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पर वो आपके हाथ में नहीं है है ना उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो किस्मत आप लास्ट में तब बोल सकते हो जब आपने अपना हंड्रेड परसेंट दिया होगा तो आपके हाथ में क्या है अपना हंड्रेड परसेंट देना अगर वो आपने अपना हंड्रेड परसेंट दिया बाद में फिर आपकी किस्मत के आगे क्या होता है लेकिन एटलीस्ट आपको अपना हंड्रेड परसेंट जो है वो सिंसियरली देना है उसमें आपको सिंसियरिटी दिखानी है आप सिंसियरली अपना हंड्रेड परसेंट दोगे और जो लक वगैरह की बातें हैं वो हम फिर रिजल्ट के बाद करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हंड्रेड डेज में आप अपना सिलेबस कवर कैसे कर कर सकते हो अगर आपने अभी तक बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है ठीक है आपने अभी तक सिलेबस भी नहीं देखा है तो भी आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी एंड जो मेरे रेगुलर वॉचर्स हैं उनके लिए तो हर वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल रहती ही है मेरी पहले आपको क्या करना है जब आप सिलेबस देखते हो ना यूजली मेरा स्टूडेंट्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो सिलेबस एज ए होल देखते हैं कि अच्छा हमें छः यूनिट्स इसमें करने हैं एंड हर यूनिट में टेन टेन नाइन नाइन चैप्टर्स हैं इलेवन इलेवन चैप्टर्स हैं वो हम कैसे कंप्लीट करेंगे तो कभी कंप्लीट नहीं होगा तो आपको क्या करना है आपको उस चीज से नहीं डरना है आपको एक स्ट्रैटी बनानी है स्ट्रैटी का पहला पॉइंट क्या है आप ब्रेक करोगे सिलेबस को ठीक है मैं बाद में आपको दिखाऊंगी सारा बना के वो ब्रेक करके भी दिखाऊंगी आप ब्रेक करोगे सिलेबस को आपको हर यूनिट को अलग देखना है हर यूनिट के हर चैप्टर को अलग देखना है कि किस चैप्टर को आपको कितने दिन देने हैं वो कंप्लीट करने के लिए ठीक है तो आपको सिलेबस ब्रेक करना है आपको ये नहीं डरना है छह यूनिट्स हैं, उन छह यूनिट्स में आपका स्पेशलाइजेशन है आपका साइंस है कंप्यूटर्स है आपका इंग्लिश है ठीक है एंड आपका मैथमेटिक्स है और आपका जीके है तो आपको हर कॉम्पोनेंट के हर चैप्टर को एक अलग मान के चलना है कि हर चैप्टर में आप कितने दिन जो है डेडिकेट करोगे उस चैप्टर के लिए जिससे वो कंप्लीट हो जाए ठीक अब देखो सिलेबस इशू हुए भी कितना टाइम हो गया है ना और तब भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते जो सोच रहे होते ये सिलेबस तो कभी कंप्लीट ही नहीं हो जाएगा एंड कुछ स्टूडेंट्स होते जिन्होंने ये नहीं सोचा होगा और अपनी पढ़ाई शुरू की होगी तो जिन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि ये कभी कंप्लीट नहीं होगा आई एम श्योर उनका सिक्सटी सेवेंटी परसेंट सिलेबस अभी तक ओवर हो गया होगा एंड जो लोग तब भी एक नेगेटिव माइंड के साथ है कि ये तो कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ होगा एंड दो तीन महीने गुजर गए हैं एंड वो अभी भी जीरो लेवल पे ही होंगे उन्होंने डर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करी होगी कि ये तो कभी कंप्लीट ही नहीं होने वाला है ठीक है तो इस माइंडसेट से बाहर आ जाओ कि ये कभी कंप्लीट नहीं होगा एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको बनानी है कि पर चैप्टर को आपको कितने दिन डेडिकेट करने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कंसिस्टेंसी देखो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऐसा नहीं है आप आज दस घंटे पढ़ोगे अगले दिन आपके पास दस मिनट भी नहीं होंगे आप फोर आवर्स दे दो डेली थ्री टू फोर आवर्स ठीक है अगर आप थ्री टू फोर आवर्स डेली डेडिकेट करोगे इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हंड्रेड डेज के बाद आपका सारा एग्जाम विद रिविजन विद एम प्रैक्टिस आपका सारा जो ये सिलेबस है वो रेडी होगा ठीक है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो अगर आप दिन में फाइव आवर्स देते हो मेक श्योर कि आप हर दिन फाइव आवर्स दे पाओ ऐसा नहीं है आप आज के अंदर आपने ब्लैक कॉफी पी हुई है ब्लैक टी पी हुई है ना आपके अंदर बहुत सी एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी है और आप सुबह बैठे हो टेन ए एम से आप टेन पी एम तक पढ़ रहे हो और अगले दिन आपके पास फाइव मिनट्स भी नहीं निकल रहे हैं ऐसा नहीं होता है आपको रोज अगर फाइव आवर्स दोगे फोर आवर्स दोगे वो आपको रोज इस एग्जाम के लिए निकालने हैं एंड दिन में मान लो आप दस घंटे आपके पास होंगे स्लीपिंग वगैरह वो आवर्स निकाल के नाइन टू तो टेन आवर्स उनमें से फाइव आवर्स अपने लिए निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि ये जो घंटे आप दे रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए ये आप अपने पेरेंट्स के लिए नहीं दे रहे हो या आप मेरे लिए नहीं दे रहे हो ये टाइम आपको अपने लिए निकालना है ठीक है देन रिविजन देखो आपने कितना भी पढ़ा हो ना अगर आप एग्जाम में उसको रिकॉल नहीं कर पाओ तो दैट वुड बी इक्वल टू कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है वो जीरो ही होगा आपके लिए रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं रिवीजन सीरीज मैराथन सीरीज वगैरह ये सब का ख्याल रखती हूँ कि मैं ये लेके आऊंगी कुछ दिनों का ब्रेक दे रही हूं आपको दो तीन दिनों के बाद हमारी रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी फिर प्रैक्टिस जितना आपने पढ़ा है आपको वो प्रैक्टिस करनी है अब क्या करो जैसे हर दिन आप चैप्टर पढ़ रहे हो साथ साथ पंद्रह बीस मिनट जिस दिन आप चैप्टर पढ़ोगे ना उस दिन आपको फिफ्टीन मिनट्स लगेंगे वो रिवाइज करने में अगर आप वही चैप्टर फिर ट्वेंटी डेज के बाद रिवाइज कर रहे हो ना आपको पूरा दिन लगेगा एक चैप्टर रिवाइज करने में तो जिस दिन पढ़ रहे हो रिवाइज करो और शाम को बैठ के टेलीग्राम पे इतने सारे ग्रुप्स हैं इतनी सारी वेबसाइट्स हैं ठीक है ठीके? कहीं से भी एमसीक्यू या मैं भी एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगी ठीक है तो कहीं से भी जहां से आपको फीजेबल लगता है कोई बुक अगर आपके पास है तो एम क्या करो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो तो एमसीक्यू प्रैक्टिस रिविजन कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी बनाओ सिलेबस को ब्रेक करो ठीक है अब ये देखो आपकी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बोला हंड्रेड डेज में आप क्या करोगे अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे इस स्ट्रैटेजी के साथ देखो स्पेशलाइजेशन के मेरे फोर्टी सिक्स लेक्चर पर डे इतना तो आप निकाल सकते हो ना स्पेशलाइजेशन के लिए एक लेक्चर एक दिन में fine, आपका 46 में फाइन आपका डेज स्पेशलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा मेरा एक लेक्चर ज्यादा से ज्यादा थर्टी टू फिफ्टी मिनट्स रख लो फिफ्टी विदिन थर्टी टू फोर्टी मिनट रखो एवरेज ठीक है थर्टी टू फोर्टी मिनट्स का वीडियो है मानो आपको एक आर लगता है वो कंप्लीट करने में या डेढ़ घंटा लगता है वो थर्टी टू फोर्टी मिनट्स का बार बार सुनने में कहीं पे स्लो जाओगे कहीं पे लिखोगे कहीं पे सोचोगे ठीक है डेढ़ घंटा फिर आधा घंटा रख लो शाम को उसका आप रिविजन करोगे तो दो घंटा अगर आप दिन में दोगे आपका एक वीडियो लेक्चर जो है मेरा कंप्लीट हो जाएगा आराम से तो फोर्टी सिक्स डेज में आपका स्पेशलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा ठीक है अब दिन में आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ोगे ना दिन में सिर्फ दो ही घंटे तो नहीं रखोगे और सोचोगे कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए फोर्टी सिक्स डेज में आपका स्पेशलाइजेशन हो गया साथ साथ क्या चलाओगे आप और एक कॉम्पोनेंट चलाओगे एक ही कॉम्पोनेंट जैसे आपने स्पेशलाइजेशन का एक वीडियो देख लिया फिर आप जाओगे जनरल साइंस पे ठीक है जनरल साइंस का भी आप डे से स्टार्ट करो जैसे कल आपने क्या किया कल आपने फॉर एग्जाम्पल एक लेक्चर देख लिया लेक्चर वन ठीक है और आप क्या करोगे यहां से लेक्चर वन देखा हो गया कंप्लीट स्पेशलाइजेशन इसकी बुक्स बंद कर ली फिर आप उसी दिन जनरल साइंस पे जाओगे तो उसके डे वन में आप पहला चैप्टर कंप्लीट करोगे तो पहला चैप्टर आपका वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए एक दिन में आपका ये चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा खुद में भी समझने की जो है अपनी क्षमता उसको बढ़ाने की कोशिश करो ठीक है थोड़ा खुद को भी ग्रूम करने की कोशिश करो कि जल्दी चीजें समझ में आने लगे वो आप एक दिन में एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट करो उसके बाद जो आपका सेकंड चैप्टर है वे चीजें न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन फूड एंड मिनरल इन प्लांट्स थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको स्पेशलाइजेशन से भी उसका हुआ होगा अगर आप रेगुलर वॉचर हो अगर नहीं अगर आपके लिए न्यू चैप्टर है तो दो दिन रखे हैं मैंने इस चैप्टर के लिए टू डेज इस चैप्टर के लिए मोर देन इनफ है उसमें ही होना चाहिए आपका कंप्लीट ठीक है मेरे आपका डे फोर ठीक है यहाँ पे मैंने एडिट कर लिया है मैंने डे फोर टू एट रखा था उतना इसमें नहीं लगेगा थर्ड चैप्टर है आपका कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस उसके लिए एक दिन काफी है फिर फिफ्थ डे में आप करोगे अपना फोर्थ चैप्टर दैट इज डिजीजेस रिलेटेड टू वाइटामिन डिफिशियंसी वो भी आपका एक दिन में हो जाएगा देन फिफ्थ चैप्टर इज योर थोड़ा इको सिस्टम इट्स कॉम्पोन फूड चेन फूड वेब्स थोड़ा बहुत इसमें लेंथ में जा सकते हो आप तो दो दिन इस चैप्टर के दैट लिए डे एंड डे सेवन में आपका चैप्टर फाइव हो जाएगा देन डे एट जो है आपका उसमें आपको पढ़ना है एनवायरमेंटल पोल्यूशन ओजोन ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह तो आप क्या कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप मेरे स्पेशलाइजेशन में जाके उनके वीडियो से भी ये वाला देख सकते हो तभी मैंने इसके लिए एक दिन रखा हुआ है ये मैंने स्पेशलाइजेशन में भी आपको पढ़ाया है फिर नाइन्थ और टेंथ आपका वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के लिए भी मैंने दो दिन रखे हैं ठीक है दैट मीन्स आपका टेन डेज में जनरल साइंस कंप्लीट हो सकता है आप अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो आपको इतने दिन नहीं लगेंगे आप दो चैप्टर्स एक ही दिन में कर सकते हो तो इट्स वेरी गुड जो बाकी आपके दिन बच जाएंगे वो आप रिविजन एंड एमसीक्यू सीरीज में यूज करो ठीक है और अगर आपका स्पेशलाइजेशन मेरे वीडियो से कवर हो गया है या आपको 46 डेज अब नहीं लगेंगे आप ऑलरेडी टेंथ इलेवेंथ लेक्चर पे हो तो जो इसमें से रिमेनिंग डेज हैं वो आप रिवीजन करो ठीक तो इसका क्या मतलब और टेन डेज के अंदर अगर आप कल से स्टार्ट करोगे आपके मेरे वीडियो से टेन वीडियोस प्लस आपका जनरल साइंस कंप्लीट हो गया होगा ठीक है फिर आप आओगे इलेवंथ डे पे इलेवेंथ डे से आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे

थोड़ा बहुत अगर आपको लेंथ में जाना पड़ेगा तो सेवनटीन एटीन ट्वेंटी चार डेज में आप कंप्लीट कर लो काफी प्रैक्टिकल है ये टाइम टेबल ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू दो डेज है आपके फिफ्थ चैप्टर के लिए जिसमें सिर्फ आपको कंसेप्ट ऑफ वायरस एंड एंटी वायरस पढ़ना है फिर आते हैं आपके सिक्स चैप्टर पे सिक्स चैप्टर है आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम हार्डवेयर सीपीयू स्टोरेज मीडिया वगैरह तो उसके लिए मैंने फाइव डेज रखे हैं अगर आपके लिए थोड़ा वो चैप्टर डिफिकल्ट हो जाएगा तो फाइव डेज सफिशियंट है ठीक है वो चैप्टर कंप्लीट करने के लिए उसके बाद आपका आ गया सेवंथ चैप्टर सेवेंथ चैप्टर में रोल ऑफ आई इन गवर्नेंस ये भी सिंपल है अगर ये आप वन डे में कंप्लीट कर सकोगे तो यहाँ पे सिक्स डेज लगा लेना ठीक है तो ऐसे करके थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आप इसमें ला सकते हो लेकिन इतने सारे दिनों में इलेवंथ से लेकर आपका थर्टीएथ ठीक है तो कितने डेज हो गए वो ट्वेंटी डेज तो ट्वेंटी डेज में आपका कंप्यूटर भी कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो जब आपने फोर्टी सिक्स स्टार्ट किया आपने कल से स्टार्ट किया तो फोर्टी सिक्स डेज में आपका स्पेशलाइजेशन कंप्लीट हो गया उन फोर्टी सिक्स के टेन डेज में आपका जनरल साइंस भी कंप्लीट हो गया एंड ट्वेंटी डेज में आपका कंप्यूटर साइंस भी कंप्लीट हो गया ठीक है आपके पास अभी भी कितने दिन बच गए आपके पास अभी भी सिक्सटीन डेज एक्स्ट्रा है मैंने सिक्स लिखा है आपके पास अभी भी सिक्सटीन डेज एक्स्ट्रा है उन सिक्सटीन डेज में आप क्या कर सकते हो रिविजन कर सकते हो प्लस इन तीनों के एमसीक्यू टेस्ट सीरीज वगैरह वो सारी चीजें कर सकते हो ठीक है या अगर इसमें कोई आपका रह गया होगा कोई पार्ट वो यहाँ पे आप कवर कर सकते हो तो है सिंपल मींस हो जाएगा ना डुएबल है तो 46 डेज में आपका स्पेशलाइजेशन भी कवर हो रहा है प्लस आपका जनरल साइंस कवर हो रहा है प्लस आपका कंप्यूटर्स कवर हो रहा है अलोंग विद योर रिविजन एंड योर एमसीक्यूज ठीक है तो यहां आपका कवर हो गया तीन कॉम्पोनेंट्स अब हमारे बचते हैं तीन और स्टार्ट तो करते हैं जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे के इसमें मैंने अलग कॉम्पोनेंट इसके ब्रेक किए हैं तो इसमें आपका एक तो हिस्ट्री वाला पार्ट है ठीक है उसको आप रख लो हिस्ट्री वाले पार्ट को 15 डेज में हिस्ट्री कंप्लीट कर लो उसके वीडियोस में लेके आऊंगी तो वो आपका 15 डेज में हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दो लेक्चर्स में अब कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा आठ लेक्चर उसके ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं तो वो टेन डेज में आपका कवर आराम से हो जाएगा जोग्रफी टेन डेज में उसका एक वेदर वाला पार्ट आता है इसमें आपको वेदर क्लाइमेट क्रॉप्स वगैरह पढ़ने हैं तो वो थ्री डेज रख लो उसको ठीक है वो थ्री डेज में कवर हो जाएगा डेमोग्राफी फाइव या डेमोग्राफी को थ्री रख लो वेदर वाले को फाइव रख लो ठीक है और एनवायरनमेंट आपका सिक्स डेज का उसमें एनवायरनमेंट का एक पार्ट है जिसमें एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड बायोडायवर्सिटी पढ़ना है एंड उसमें जे एंड के वाला पार्ट है जिसमें हिस्ट्री जोग्राफी इकोनमी हेरिटेज कल्चर जे के रिकोगनाइजेशन रिओर्गनाइजेशन एक्ट ये फाइव डेज में हो जाएगा क्योंकि ये आपको ज़रा डिटेल में नहीं पढ़ना इसमें आपको थोड़ी कुछ फैक्चुअल चीज़ें ही पढ़नी है या yeah, एन्वायरमेंट को हम यहाँ से थ्री डेज कर लेते हैं एंड आपके जे एंड के पार्ट को एट डेज कर लेते हैं ठीक है तो इतने दिनों में आपका ये सारा भी कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास कितने दिन रहते थे हमारे मैंने आपको कहा हंड्रेड डेज में हम कवर कर लेंगे फोर्टी सिक्स डेज में हमारे तीन कंपोनेंट्स कवर हो गए स्पेशलाइजेशन हो गया जनरल साइंस हो गया कंप्यूटर्स हो गया हमारे बच गए फिफ्टी फोर डेज फिफ्टी फोर डेज में आपका क्या हो रहा है एक साइड से आप जी ये सारा पोर्शन कवर कर रहे हो तो कितने डेज हो गए ये तो यहाँ आपका हो गया 48 एट डेज फोर्टी डेज में आपका जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के भी कवर हो जाएगा फिर आपके बचते हैं इन हंड्रेड के फोर्टी एट में से फिफ्टी फोर आपके सेवन डेज बचते हैं उन सेवन डेज में आप रिविजन कर सकते हो कुछ रह गया होगा पोर्शन वो कर सकते हो ये जो करंट अफेयर्स है वो आपको क्या करना है करंट आई वुड से हर दिन एक एक आर आप करंट अफेयर के लिए निकाल लो दिन से ठीक है वो जो करंट इवेंट है वो आप हर दिन एक एक घंटा दे दो क्योंकि ये बाद में आपके पास काफी ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज जमा हो जाती है करंट फिर एक साथ पढ़ना मुश्किल हो जाता है तो अगर आपने स्टार्टिंग से ही कल से ही एक एक घंटा आधा आधा घंटा दिन का या 45 फाइव मिनट्स करंट अफेयर्स के लिए दोगे तो यहाँ पे जो आपके बचते हैं दिन पाँच छः वहां पे आप करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर सकोगे फिर बचता है आपका मैथ्स मैथ्स में टोटल 14 चैप्टर्स हैं अगर आप इन दिनों जैसे आप हिस्ट्री कर रहे हो ठीक है हिस्ट्री के लिए आपने फिफ्टीन डेज रखे साथ में आप मैथ्स कर लो मैथ्स आप थ्री टू फोर डेज मैक्सिमम दे दो पर चैप्टर को तो मैथ्स आपका फिफ्टी डेज में फिनिश हो जाएगा अगर आप तीन से चार चैप्टर एक तीन से चार दिन आप एक चैप्टर को दोगे तो फिफ्टी डेज में आपका मैथ्स भी फिनिश हो जाएगा फिर कितने दिन बचे आपके पास फोर डेज इन फोर फाइव डेज में आप इंग्लिश कर लो ठीक है इंग्लिश तो हो जाएगा ना फोर फाइव डेज में वो ईजी है चाहे उसे कितने भी चैप्टर्स हो तो इन हंड्रेड डेज में आपका सारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो और क्या स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है जैसे वो कर अभी स्टार्ट करेंगे कल से वो स्पेशलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो वो इस टेंशन में आ जाते हैं कि अभी हमें इतना सारा पढ़ना है अभी जी भी रहता है वो भी रहता है ये भी रहता है ये माइंड से बाहर आ जाओ ये टेंशन आपको नहीं लेनी है ठीक है क्योंकि जब आप स्पेशलाइजेशन पार्ट पढ़ रहे हो तो सिर्फ उसी पे ही फोकस करो तो अब ये नहीं सोचो कि मुझे अभी हिस्ट्री भी पढ़ना है मुझे कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है उससे क्या होगा आपकी एंगजाइटी बढ़ेगी एंड सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करोगे ठीक है क्योंकि ना आप स्पेशलाइजेशन को अच्छे से फोकस कर पाओगे और जिसकी आप टेंशन ले रहे हो जीके वगैरह वो तो फिर भूल ही जाओ वो भी आप नहीं कर पाओगे तो अगर इफ यू डूइंग स्पेशलाइजेशन मेक श्योर कि आप कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस करो स्पेशलाइजेशन पार्ट पे तो इन फोर्टी सिक्स डेज में आप ये वाले चीजें कंप्लीट कर लो ठीक है एंड जो आपके रिमेनिंग है पोर्शन उनको आप इतने इतने डेज जो है वो देके ये वाले रिम, रिमेनिंग पोर्शन कवर कर लो एंड मैथ्स को आप फोर्टीन चैप्टर्स को तीन चार दिन हर चैप्टर को दे दो तो फिफ्टी डेज में मैथ्स हो जाएगा फिर रिमेनिंग फोर फाइव uh, डेज में आप इंग्लिश फिनिश करोगे ठीक है ऐसे करके हंड्रेड डेज में आपका सुपरवाइजर का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वो जैसे कि दोबारा विंडो खुलिए दोबारा फॉर्म्स ले रहे हैं तो आई गेस अभी एग्जाम में हो सकता है थोड़ा टाइम हो तो इसके बाद क्या रहता है फिर आपका सिंपल रिविजन और टेस्ट सीरीज तो हो गया सिलेबस कंप्लीट तो ऐसी कोई बात नहीं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है आई अश्योर यू अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करोगे कंसिस्टेंसी के साथ एंड सिंसियरिटी के साथ देन आपका सिलेक्शन जो है आपकी तरफ से हंड्रेड परसेंट आपने दिया होगा फिर लक फैक्टर है वो आपके हाथ में नहीं है इसीलिए उस पर टाइम वेस्ट करना बेवकूफ़ी है वो सोचना कि जिसकी किस्मत है वो सिलेक्ट हो जाएगा वो अल्लाह के हाथ में रिस्क वो ही देंगे फिर उनने आपके लिए लिखा है यहाँ से लिखा है कहीं और से लिखा है वो उनको पता है लेकिन हंड्रेड परसेंट आपको अपना देना है ठीक है तो विद दिस हम ये लेक्चर खत्म करते हैं अगर फिर आपको कोई और ऐसी सीरीज चाहिए जिसमें मैं आपको बताऊँ रिविजन किस तरीके से करते हैं एंड ऑल तो वो आप मुझे कॉमेंट्स में लिखो तो मैं वैसे भी एक वीडियो आपके लिए बना सकती हूँ वैसा वीडियो So till the time I upload next video, bye bye, take care, have a great day.